हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले कि आपके आखिरी 4 महीने में नीट की प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, हाउ यू शुड प्लान दिस लास्ट 4 मंथ्स। कोई भी एग्जाम में आखिरी के 3-4 महीने बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इन 4 महीने में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, बायोलॉजी में आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा बार NCERT को रिवाइज करना है, और जितने हो सके उतने ज़्यादा उसके MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी परमानेंट मेमोरी में धीमे धीमे NCERT के टॉपिक्स आपको याद रहने लगेंगे। क्योंकि बायोलॉजी तो टोटली रिवीजन बेस्ड ही होता है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हो उतना ही ज़्यादा आपको याद रहता है। और एक और बात आप ये कर सकते हो जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रिपरेशन में, कि आप फिजिक्स के लिए डेली कोई एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अलॉट कर दो, जिस टाइम स्लॉट में आप डेली 1 आवर, फिर 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, कोई भी वो टाइम स्लॉट हो सकता है, उस टाइम में आप टोटली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। आप एक एक चैप्टर्स को डेली ले सकते हो, और आप देख सकते हो अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो कि आप 1 घंटे में कितने MCQs सॉल्व कर पा रहे हो, क्या 30 हो रहे, 40 हो रहे, 50 हो रहे। धीमे धीमे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम एफिशिएंसी है वो भी अच्छा होता जाएगा। उसके साथ साथ अब ये आखिरी के 4 महीने हैं, जैसे जैसे टाइम नज़दीक जाता जाएगा आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्ज़ाम का, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, और आपको ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन पता चलती है कि आप कहाँ पर स्टैंड आउट करते हो, कितने नंबर आते हैं, उस हिसाब से आपको पता चलता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि आप अप्लाई कर सकते हो आपकी आखिरी के इस 1 मंथ 4 मंथ्स के प्रिपरेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।